हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और ये वीडियो है सैटरडे का, मॉर्निंग से मैंने शुरू किया है। फ्राइडे नाइट को मैंने ये चने भिगो के रखे थे, तो मैं ब्रेकफास्ट में इन्हीं का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैं है ना इनको उबालने के लिए रख रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। मतलब पहले चनों को ओवरनाइट भिगो लिया था, फिर दो चार पानी से धो लिया है, फिर उसमें इनफ ड्रिंकिंग वाटर और नमक डालकर इसको बॉइलिंग पे रख दिया है। अच्छी तरह से उबल जाने के बाद मुझे जितने चने अभी के लिए चाहिए उतने मैं छान लूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ चाट और मुझे इसमें पानी नहीं चाहिए, तो मैं इनको छान लूँगी। और जो बाकी चने हैं ना उनको मैं रख दूँगी लंच के लिए, और इसका पानी फेंकना नहीं है। जो चने का पानी होता है ना, इससे चने की सब्ज़ी को बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है और ये न्यूट्रिशियस तो है ही। तो जितना पानी है वो सारा का सारा मैं चने के साथ प्रिजर्व कर लूँगी। और चाट बनाने के लिए एक बोल में जो चने हमने ड्राई करके रखे हैं वो ले लेंगे, और प्याज, टमाटर, खीरा और एक हरी मिर्ची। और आप मुझे कई बार चाट बनाते देख चुके हैं, मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट में खाना होता है तो इसी तरह की बनाती हूँ। ये बहुत हेल्दी भी है, नो ऑयल कुकिंग है एंड नो फायर कुकिंग भी है, फटाफट बन जाती है और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा लगती है। सारी ही चीज़ों को एक बोल में ऐड कर देने के बाद मैं इसमें एक नींबू का रस निकाल रही हूँ, और इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें थोड़े से मसाले। जो चने हैं उसमें ऑलरेडी थोड़ा नमक था, इसलिए हिसाब से काला नमक डालिए। थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, ये अवॉइड किया जा सकता है अगर आप हरी मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं। और फिर इसमें डालना है इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये जो चटनी है ये मम्मी ने बनाई थी जब वो आए थे, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। स्टिल मुझे कुछ कॉमेंट्स आ रहे थे कि इसकी रेसिपी शेयर करें, मुझे अगर याद रहेगा ना तो जिस वीडियो में इसकी रेसिपी थी उसका लिंक मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं। और ये चटनी बहुत वक्त तक अच्छी रहती है फ्रिज में एंड मल्टीपर्पज़ तो है ही। सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और आपकी इंस्टेंट हेल्दी यमी चना चाट तैयार हो गई है। ये देखिए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपको दिखाना चाहती हूँ। शानू ने मुझे बोला पहले आप पढ़ेंगे फिर आप ये देखेंगे नीचे जो बनाया है। वी ऑल हैव दो स्टूडेंट्स इन आर क्लास हु कुडंट गो थ्रू वन टेस्ट विदाउट कॉपिंग, राइट? राइट। शानू ने कहा कि आपको ये समझ आया? मैंने कहा हाँ, मुझे लग रहा है कि आपने शायद नोबिता बनाया है। ये नोबिता जैसा नहीं लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है उसके बालों की वजह से, पर ये नोबिता नहीं है, ये मेरी क्लास की। ये बड़ी 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 आंखें खोल के कॉपी कर रहा है। हाँ, ये पीछे गर्ल बैठी है। हाँ। अच्छा, लड़के लोग लड़की लोगों की कॉपी करते हैं बिकॉज वो पढ़ के नहीं आते हैं। तो ये नोबिता जैसा बनाया है तो ये शिजुका जैसा बना देती ना। मामा, मैंने सोचा नहीं था कि ये नोबिता और शिजुका आएंगे, मैंने बस रैंडमली बनाया था। सो प्रिटी एंड वेरी नीट। और एक और चीज़ है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो सानवी ने, सानवी वो बेबी बॉर्न इन 2008 दिखाओ ना। उसके नीचे की ड्राइंग बहुत गंदी है मामा, कैसे दिखाऊं? कैसे दिखाऊं? दिखा सारा सारा नहीं दिखा रही हूँ मैं। वो बोलती कि मम्मा आपको पता है ये कौन है? मैंने कहा ये कौन है? कहती इट्स अ बेबी बॉर्न इन 2008, और 2008 में कौन बॉर्न हुआ था? ये लड़की। तो शी आस्क्ड मी कि ये बेबी कौन है, मैंने कहा सीम्स लाइक इट्स यू। तो इसने कहा कि आपको कैसे पता चला? मैंने कहा लुक एट हर लैशेस, लंबी लंबी लैशेस है जस्ट लाइक यू। मैंने एक्चुअली उसे पागल मानकर उसके आगे से कर दी। पागल है वो? हाँ। बट यू सेड इट्स यू। हाँ। तुम पागल हो। आई लव यू। आई लव यू टू। अरे कितना अच्छा बना है यार। नहीं है सी, अच्छा नीलम, नहीं है। नीलम देखो ना एक बार, समझे? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सर गोल है। यू है एंड बैक इन 2000। ये सानवी तुम अपने आप को बना रही हो? पर कितना सुंदर बना रही है, आंखें, इसके लिप्स, इसके बाल कितने अच्छे बना रही है। ये आईज बहुत अच्छी बना, लाइक ये बहुत ही प्यारा, लेकिन इसकी आईज आर सो एक्सप्रेसिव। बहुत सुंदर है। अगली अगली। नो इट्स सो प्रिटी। अगली, दिस इज अगली, यू डोंट नो व्हाट इज अगली एंड दिस इज हाउ योर पापा एंड मम्मा ड्रॉ। कोई बात
एंड इज इट अ बिल्ली? ये देखो इसका हाथ बहुत सुंदर है पर नहीं इसका हाथ, ये पूरी सुंदर पागल गंदा है। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी नहीं है? जस्ट बिकॉज सर्कल है, फुटबॉल जैसा, फुटबॉल जैसा। जब मैं छोटी थी मेरा भी सर फुटबॉल जैसा था। अरे हाँ, मम्मी का सर फुटबॉल जैसा, बहुत ज्यादा ही राउंड था मेरा फेस भी, और फिर मैं पोनी टेल करती थी तो और भी गोल गोल लगता था। मुझे ना तेरे को ऐसे देख के ना मन करता है तेरा बचपने का फोटो देखने का। हाँ ये देखो, ये हो रहा है स्क्रैबल, एक बार खेल लिया तो उसके बाद फिर ये होता है। सानवी बैड मैनर, तेरी मैडम को इसकी वीडियो बना के भेजूंगी। हाउ यू गाइस कीप योर होम? नहीं नहीं, बेबी बॉर्न इन 2008, आई एम इन लव विद दैट बेबी। मुझे तो अच्छी लग रही थी, ऐसे लग रही थी जैसे हनी भी ककून में पड़ी हो जो तुमने बनाई। ये पता है, यू नो वन थिंग शर्मा जी, देर इज समवन हु थिंक्स कि शानू तुम है ना, उनको सुष्मिता सेन जैसी लगती हो। मुझे भी, मुझे भी। हाँ याद आ गया। आ प्रिटी प्रिटी। और ये दीवार के लिए भी कितने लोग बोलते हैं, ये हम दिवाली के आसपास रिपेयर कराएंगे गाइज। ये तो कराना है, कराना ही है, इधर से भी खराब हो गया, बहुत गंदा दिखता है। लंच सीन इन द किचन, मैं तैयारी कर रही हूँ फटाफट से बन जाने वाले लंच की। आपको याद होगा फ्राइडे को मैंने बनाए थे आलू बैंगन, थोड़े से बच गए थे तो मैं उसको रीफ्राई कर रही हूँ। और ये आपके लिए ना एक बहुत ही अच्छी वाली ट्रिक है, आपके पास कभी भी आलू बैंगन की सब्ज़ी बच जाती है ना तो वो अगले दिन इतनी यमी लगती है। बस आपको क्या करना है, उसे एक रीफ्राई टच देना है जैसे मैं कर रही हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए और इसमें डालना है आपको एक प्याज, ना जीरा ना हींग, नो जिंजर नो गार्लिक नथिंग, सिर्फ ऑयल लीजिए और इसमें प्याज डालिए। प्याज को थोड़ा सा भून जाने के बाद इसमें कोई भी मसाले नहीं डालने हैं आपको, सिर्फ थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर। और अगर आपकी जो बैंगन की सब्ज़ी वो इनफ स्पाइसी है तो कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। सिर्फ तेल में ये दो चीज़ें थोड़ा सा भूनने के बाद आपके आलू बैंगन डाल दीजिए इसमें, सीजनिंग वगैरह चेक कर लें और आप देखिएगा इसका टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे ये रीफ्राइड वर्जन आलू बैंगन का बहुत ज़्यादा पसंद है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये सब्ज़ी देखिए डन भी हो गई। और मैं यहाँ पे दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी जो कि है चने, सूखे चने मैं बना रही हूँ जो यूजुअली अष्टमी में हम लोग खाते हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऑयल में आपको डालना है थोड़ा सा हींग और जीरा, इसमें हींग थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, इसमें प्याज लहसुन अदरक वगैरह नहीं डलता है, अदरक आप डाल सकते हैं। और जो ऑयल है ना उसमें हींग जीरा स्प्लटर हो जाए तो थोड़ा सा हल्दी मिर्ची और धनिया का पाउडर, थोड़ी कसूरी मेथी, और फिर चने जो उबाले थे ना वही पानी आपको इसमें डाल डाल के एक दानेदार सा मसाला तैयार करना है। और मसाला अच्छी तरह भून जाएगा तो जो चने आपके उबले हुए रखे थे उनको उसके पानी के साथ ही इसमें डाल दीजिए, पानी डिस्कार्ड नहीं करना है। अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो फिर कम पानी यहाँ इस्तेमाल करें, पर पानी के साथ ही आप चनों को डाल दीजिए। इसके बाद इसमें डालिए चाट मसाला और इसको अच्छा सा मिक्स देकर पकने रख दीजिए फुल फ्लेम पे, तब तक जब तक इसका जो पानी है वो पूरी तरह इवेपोरेट हो जाए, एक अच्छी सी चटनी जैसी कोटिंग आ जाएगी आपके चनों को। सीजनिंग चेक कर लीजिए, मुझे थोड़ा नमक कम लगा तो मैंने यहाँ पे ज़रा सा नमक ऐड कर दिया है। और इस सब के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ जीरा राइस। आपको लगेगा कि क्या अजीब सा कॉम्बिनेशन है, ड्राई ही सब्ज़ी बैंगन की है और ड्राई ही सब्ज़ी चने की है, इसके साथ राइस क्या मज़ा देंगे, पर आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लेटर जीरा राइस के साथ, इस तरह बने हुए सूखे चने और आलू बैंगन की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड बहुत चूज़ी हैं खाने में, मतलब वो खा सब कुछ लेते हैं पर उनको टेस्ट का ना बहुत ध्यान रहता है, ये अच्छा नहीं बना वो अच्छा नहीं बना, पर उन्हें जब मैंने ये सर्व किया ही वॉज़ इन लव विद इट, बहुत अच्छा बनता है। और देखिए पानी इसका सूख चुका है, चनों को अच्छी तरह से चटनी की तरह कोट कर लिया है, बस गैस बंद कर दें और ये आपके रेडी हैं। उधर आपने देखा आलू बैंगन तो इंस्टेंटली बन गए थे, चने भी फटाफट बन गए, जीरा राइस मेरे ऑलमोस्ट तैयार हैं, टाइम है प्लेटिंग का।
break. Thank you, Ali. और कितना अच्छा लग रहा है नहीं ऐसे एक तुमने वो वाली थालियाँ देखी हैं जिसमें ऐसे एक खाना इधर होता है इधर होता है इधर होता है है ना मेरे पास भी पर हम उसमें खाते नहीं हैं वरना कितना सही है ना वो एक ही थाली में सारा काम हो गया इधर दही आ गई सब्जी आ गई सैलड आ गया रोटी आ गई पापड़ आ गया दही भी बनाना था मुझे इसके साथ पर दही है नहीं आज तो दूध भी नहीं है ब्रेक नहीं ले सकते आराम से खा लो नहीं ले सकते अभी लेता हूँ आराम से खा लो ना